भी ट्रेन की टिकट कटा ली लेकिन सफर नहीं कर पाए क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो ये आपके साथ ही नहीं हुआ, ऐसे मामले बहुत है हमारे देश में। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है पूरा मसला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जिंदगी मिश्रा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। रेलवे बोर्ड ने एक RTI के जवाब में बताया कि साल 2022 से 2023 में 2.7 करोड़ से अधिक यात्री टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाए। देश के ट्रेन की मांग पर रेलवे उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहा है। देश से एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, इसके लिए आमतौर पर लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करना अमूमन किफायती भी होती है। लोग यातायात के अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम पैसों में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाते। रेलवे बोर्ड ने एक RTI के जवाब में बताया कि साल 2022 से 2023 में 2.7 करोड़ से अधिक यात्री टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाए। रेलवे के मुताबिक इन सभी यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया था। मालूम हो कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह संख्या 1.65 करोड़ थी। रेलवे बोर्ड ने बताया कि साल 2022 से 2023 में कुल 1.76 करोड़ पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि PNR नंबर थे, जिसमें कुल 2.72 करोड़ यात्रियों की यात्रा करनी थी। हालांकि वेटिंग लिस्ट होने के कारण इन लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। मालूम हो कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल 1.0 करोड़ PNR नंबर बने, जिसमें से 1.65 करोड़ यात्रियों को यात्रा करनी थी, लेकिन अपने आप ही टिकट रद्द होने के कारण यात्री यात्रा नहीं कर सके। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 2014 से 2015 में रद्द किए गए PNR की संख्या 1.13 करोड़ थी और 2015 से 2016 में यह संख्या 81.05 लाख थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2017 में यह संख्या 72.13 लाख और 2017 से 2018 में 73 लाख और 2018 से 2019 में यह संख्या 68.97 लाख थी। रेलवे ने बताया कि वह देश में ट्रेनों की मांग पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने और लगातार ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण वेटिंग लिस्ट में शामिल होने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पहले देश में रेलवे ने 10,186 ट्रेन चलाई थी, जो वर्तमान में 10,678 ट्रेनें हो गई है। तो अगर आप भी ट्रेन से डेली ट्रैवल करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे ये नजर टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है, जहां मैं आपसे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और देश और दुनिया की खबरों के लिए रूबरू होती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे नजर टुडे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेन से जुड़ी जो खबर है, ये हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है और ऐसी चीज़ें लगातार होती रहती है। अगर आप ट्रैवल दुनिया में हैं और आप सफ़र करते रहते हैं, चाहे आप डेली यातायात से हो या फिर ट्रेन से, मेट्रो से, तो ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे होता है कि हमारे देश में मेट्रो की लाइन ऐसी लग जाती है जिसे देखने के बाद आपका मन करेगा कि आप ट्रैवलिंग छोड़ दें, आप अपनी गाड़ी से सफ़र कर लें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारे देश में हर किसी के पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है, अगर आप डेली कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से, बस से, मेट्रो से या फिर बाइक से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।